नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हम आपको मिलाते हैं बॉलीवुड के स्टार क्रांति प्रकाश झा से, जिनकी एक फिल्म मिथिला मखान से इन्हें एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। बिहार की माटी के लाल हैं क्रांति प्रकाश झा, हम आपको सीधे मिलवाते हैं और वो अभी कटिहार में हैं। बिना वक्त जाया किए हम सीधे आपको मिलवाते हैं क्रांति प्रकाश झा जी से। नमस्कार क्रांति प्रकाश झा जी। नमस्कार, हेलो ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है और मैं अभी इस समय कटिहार में ही हूँ, जो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है क्योंकि कटिहार और पूर्णिया से मेरा बहुत वास्ता रहा है। जब हमारे पिताजी यहाँ पोस्टेड थे तो पूर्णिया में एक स्कूल है परोड़ा आवासीय मध्य विद्यालय, वहाँ से मैंने पढ़ाई की, तो यहाँ आना बहुत सुखद है और जिस कार्य के लिए आया हूँ वो उससे भी ज़्यादा सुखद भी है और साथ साथ एक आत्मसंतुष्टि भी देता है। तो कटिहार किस प्रयोजन को लेकर, किस कार्यक्रम को लेकर आप आए हैं ये मैं चाह रहा था आप सवाल पूछें। तो कटिहार में आया हूँ, यहाँ पे एक संस्था है एड जस्टिस जो कि शिक्षा के लिए काम करती है और उस एड जस्टिस के जो संस्थापक हैं संजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, तो वो मेरे सीनियर रह चुके हैं कॉलेज के, तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि क्रांति हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं शिक्षा के बारे में और वो पूरी संस्था शिक्षा के योगदान के ही बारे में बात करती है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को बिहार में ही, ना सिर्फ बिहार में जबकि बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कैसे उसमें सुधार की आवश्यकता है, कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, क्या वो हम जीवन में काम आगे ला पाते हैं। मैंने जो शिक्षा प्राप्त की, जो फॉर्मल एजुकेशन आप कह सकते हैं, तो मेरे काम, मेरी ज़िंदगी शिक्षा आती है, ना कि जो किताबों में मुझे पढ़ाई गई। तो उसी बारे में संस्था बात करती है और सबसे योगदान चाहती है, चाहे आप हो चाहे हम हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे वो कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम विनयात आदि पात्रताम, तो शिक्षा सुख का जो है वो मूलभूत आधार है। शिक्षा के बिना आपके जीवन में जो है वो ना सुख होगी, ना शांति होगी, ना संपत्ति होगी, ना संपूर्णता, ना संपन्नता होगी। तो शिक्षा जो है वो ज़रूर हर बच्चे तक मुहैया होनी चाहिए। तो इसी कारण जो है वो कल एक शिक्षा संवाद यहाँ कटिहार में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, आपके माध्यम से हों, इसका मेरे माध्यम से हों, जितने भी लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो फिर समाज कैसे अच्छा बनेगा। अपने से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, अपने से ऊपर उठ के देखना ही पड़ेगा कि क्या जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर पा रहे हैं। हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, क्या हम शिक्षा वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। और परसों जो है वो उसकी पदयात्रा कटिहार से शुरू होगी और पूर्णिया तक जाएगी तकरीबन 25 किलोमीटर की, और वो प्रातः 9 बजे होगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग जी जान से आए, तन मन से आए। धन तो चले ठीक है, जिससे जितना बन पड़े करें या ना करें, लेकिन तन मन से जरूर आए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ मेरी आपकी तो हो गई, लेकिन जो बच्चे अभी हैं इस संसार में, इस दुनिया में, इस बिहार में, इस कटिहार में, वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, इसी बारे में ये पूरी की पूरी मुहिम है। तो ये कटिहार से पदयात्रा होनी है। जी जी। तो कटिहार के किस लोकेशन से होनी है, कहाँ से होनी है, कहाँ लोग इकट्ठा हों? कल तो जो संवाद है वो टाउन हॉल में है और 10:30 बजे है, तो उसके लिए भी मैं आप सब लोग को एड जस्टिस के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ज़रूर आएँ। और परसों ये 8 बजे से यहाँ पे एक कौन सा चौक है भैया, जहाँ से शहीद चौक, हाँ शहीद चौक से शुरू होगी और पूर्णिया तक जाएगी, जो इसका समापन हम लोग पूर्णिया में सीनेट हॉल में करेंगे। तो आप सब लोग जितना भी जुड़ सकते हैं ज़रूर जुड़ें। क्रांति प्रकाश झा जी जी खुद UPSC के स्टूडेंट रहे हैं, दे चुके हैं, हुआ नहीं था तभी आपके सामने बैठे हुए हैं। 4 नंबर, हाँ वही ऐसा, मतलब 4-5 नंबर से रह गया था। वाटला हाउस मूवी में भी आप जी, आदिल जी, का जी आदिल का किरदार था जी। MS धोनी में भी संतोष लाल का किरदार था, आप जो धोनी थे उनके मित्र, हाँ जिन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया था। और आज भी मुझे एक वाक्य ऐसा हुआ कि CRPF के जो वहाँ पे जवान होते हैं CISF वाले, तो पूछ लिया उन्होंने कि वही है कि आप जो लड़की को सिखाए, लड़की को देख के शॉट मारे थे? हम बोले हाँ सर वही है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो लोग पहचान, तो उससे पहचान लेते हैं लोग जी। स्वामी एक संघर्ष उसमें भी, स्वामी रामदेव एक संघर्ष, तो उसमें मैंने रामदेव जी की भूमिका की थी जी। और कुछ अपने बारे में पर्सनल जो अभी तक टीवी इंडस्ट्री में या मीडिया में नहीं आई हो? यही कि मुझे कटिहार और पूर्णिया से बहुत लगाव है, पहले मैंने शायद उतना नहीं कभी कहा होगा। और जिस जगह मैंने पढ़ाई की परोड़ा आवासीय मध्य विद्यालय, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वो ऐसा स्कूल था जहाँ पे दीवारों पे लिखा होता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और सफलता ही जो है वो आपके, बहुत इस तरह की तमाम बातें होती थी, परोपकाराय पुण्याय परपीडनम, इस तरह की चीज़ें लिखी होती थी। और हम लोग उस वक्त गनी बैग, जिसको बोरा कहते हैं अपने यहाँ, तो हम लोग बोरे पर रख के पढ़ाई करते थे और टेबल कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी, डिबिया लेके
पढ़ते थे, तो इस तरह की ज़िंदगी से लेके अभी तक की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे इस तरह का एक अद्भुत जीवन दिया है जहाँ पर मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोगों से बातें कर सकता हूँ। ना तो मेरे ऊपर सरकार का दबाव है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, ना तो मेरे ऊपर किसी का दबाव है कि मुझे ये सारी चीज़ें कहनी है या नहीं कहनी है। अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता हूँ और लोगों में प्रेम बांटने की बहुत कोशिश करता हूँ। आप लोग भी करें, अच्छा लगेगा। एक फिल्म रहे देसवा जिकरा से कदम रख ले रही। अरे एकदम देसवा हमरा दिल के बहुत करीब। नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी ओकरा दिखाई रही थी। मैं गइल रहे कैसे रहे हो, अनुभव कैसे रहे हो? देसवा पे हमरा फक्र बा, ये खातिर फक्र बा हमरा देसवा पे कि वो एकमात्र ऐसा फिल्म रहे वो टाइम पे जो भोजपुरी सिनेमा के बदले के पूरा प्रयास कर जा रहे फिल्म में। जगह एक समय रहे भोजपुरी सिनेमा के जे लता जी से लेके मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके मुकेश से लेके के आदमी जा के भारत के प्रथम राष्ट्रपति उन्होंने बोला कि नासिर हुसैन साहब को कि आप एक फिल्म बनाइए भोजपुरी में। तो देसवा ये पहल रहे कि इस सब भैला के बाद जो भोजपुरी सिनेमा के हालत हो गए रहे तो कुछ जे हमनी बनी या फिर नितिन चंद्रा या नीतू चंद्रा ये सब मिलकर कि आखिर किया क्या जाए। तो हमने वो फिल्म बननी देसवा, देसवा के बहुत सम्मान भेटल, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी भेटल, उसके बाद जनता से बहुत सम्मान भेटल। काहे की बात ये रहे कि बिहार में रह के आदमी काहे ना कुछ कर सकेला। तो देसवा पे हमारा बहुत फख्र बा, गौरव बा, हमारे सौभाग्य बा जे हम देसवा के वो हिस्सा रहे पूरा फिल्म के। तो देसवा अगर नहीं के देख ले बानी तो जरूर देखी, यूट्यूब पे बा, फ्री लिंक बा, कोनो पैसा देवे की कोनो जरूरत नहीं के बा, खाली क्लिक करे के बा देखी देसवा। कहे कि देसवा अगर हमार बार तरह हो के देसवा बा। अभी जो एजुकेशन सिस्टम जैसन हो गए बा जी, ओकर पीछे के जिम्मेदार बनी? हमने सब जिम्मेदार बनी, जनता से लेके सरकार तक, सरकार से लेके जनता तक सब जिम्मेदार बनी। सरकार अगर कोनो चीज के सुविधा दे ले बा तक का हमनी तक वो सुविधा पहुंच सकेला कि बीच में खत्म हो जाला? तो ये खत्म हो जाला वाला बात आदमी के पता चली, नागरिक के पता चली। अगर युवा के स्कूल में सब चीज नहीं खे बा जो मूलभूत सुविधा होला, बाथरूम के होला, खाना पीना के होला, टेबल कुर्सी के होला, नहीं खे बा तो पूछी कि भाई गई कहाँ, पैसा आयल तो कहाँ गई? तो जिम्मेदार हर आदमी बा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ ये चीज़ को तय करे के पड़ी कि आखिर जो पढ़ाई हम सब कर रहे बानी स्कूल में वो पढ़ाई जिंदगी में आगे कितना काम आला। हमने जो पढ़नी है जब 10th क्लास में 12th क्लास में आज के डेट में हमारा जिंदगी से जितना हम पढ़ाई करें उतने काम आवत बने तो उस सब कोनो काम नहीं खावेला हमारा। तो हर आदमी के वही चीज़ करे के चाहिए जो आदमी में ओकरा इंटरेस्ट हुए, पैशन हुए। इना कि माँ बाबू जी कहलन कि भाई इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, तो वे काम कहीं नहीं ना। दो महीना, दो साल, छः साल के बाद आदमी बोर हो जाला उस सब चीज़ से। तो करिए वही जिसमें आपका मन लगे क्योंकि वही चीज़ आपको जिंदगी में बहुत सुख देगी। फिल्म इंडस्ट्री में आए के प्रेरणा कहाँ से मिला? जैसे हम बायोग्राफी पढ़त रही दोस्त के कहला पर बरवा कह सके नहीं दोस्त के कहला पर, लेकिन वो के अलावा एगो यो बात रहे कि हमारा अंदर बहुत बड़ा पिल्लू रहे, पिल्लू जो कीड़ा होला। तो बच्चों में हम पूरा ब्रूसली के एक्टिंग, आयकर फलाना ढिमकाना के एक्टिंग, लेकिन UPSC के किताब के बोझ या तैयारी के बोझ में हतना दब गए रहे। कहे कि हमारे पिताजी भी ब्यूरोक्रेट रहो नहीं जा पूर्णिया मतलब शिक्षा विभाग में, तो हमारा हर इच्छा पूरा करे के रहा, माँ के इच्छा पूरा करे के रहा। अब पहले साल हम अपन हॉस्टल के कॉलेज के गेट पर लिखले, रूम के गेट पर लिखले रहनी क्रांति प्रकाश झा भारतीय पुलिस सेवा, हतना जोर हमरा मन रहे IPS बने के। लेकिन वह कहत बा एगो अंग्रेजी में कहावत बा मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो प्रेरणा हमरा कहूँ से नहीं, हमारा अपने अंदर से प्रेरणा आएल कि हमरा ये काम करे के बा, ई खातिर जे हमरा ये काम में मन लगेला, केकरो कहला से नहीं खे। आखिर में जनता के का, पटिहार के लोग के का अपील करल चाहत नहीं कि चूंकि काल कार्यक्रम परसों पद यात्रा बा जी, एक अपील? अपील आप सबसे करबत यही है कि आप सब लोग सिर्फ अपने घर के बच्चों के लिए नहीं, दूसरे घर के बच्चों के लिए भी सोचें कि आखिर कैसे समाज का विकास ऐसे ही होता है। जैसे कहते भी हैं, गाना भी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तुझी जमाने के लिए। तो गांधी जी ने भी कहा था जो बहुत बड़ा भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे। तो अपने से ऊपर उठ के कटिहार के बारे में सोचें, बिहार के लोगों के बारे में सोचें, इस देश के बारे में सोचें। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे का अधिकार है। मुझे अच्छी शिक्षा मिली है, अगर आपको मिली है, अगर बाकियों को नहीं मिल रही तो उसके लिए भी आप कदम उठाएं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी उतनी जितनी की मेरी है। और मैं अपने माध्यम से जो कर पाता हूं मैं वही कर सकता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। आप जो कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि जब आप रात को सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, अपने से ऊपर उठ के काम किया है। धन्यवाद। ये थे क्रांति प्रकाश झा, जो शिक्षा की लौ कटिहार और पूर्णिया सहित पूरे बिहार में जलाने की एक मुहिम एक संस्था के साथ मिलकर कर रहे हैं। कल इनका संवाद कार्यक्रम है टाउन हॉल में, और परसों सुबह 8 बजे शहीद चौक से ये खुद कटिहार के लोगों के साथ पद यात्रा करेंगे पूर्णिया तक।
आप भी आइए, आप भी शरीक होइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी लौ जलाने की कोशिश कर रहे हैं क्रांति प्रकाश झा, जो अपने आप में एक उदाहरण है और एक नायाब चीज है जो क्रांति प्रकाश झा करना चाह रहे हैं। अपने सहयोगी इमरान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।